वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साल 2021 में आई कन्नड़ लैंग्वेज की फिल्म मधा गजा के बारे में। छह दोस्तों, जिसको रिसेंटली अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल किया गया है विथ इंग्लिश सबटाइटल। तो उसके बाद मैंने इस पिक्चर को देख लिया है। तो देखने के बाद ये पिक्चर मुझे कैसा लगा है, क्या पिक्चर आपको देखना चाहिए या फिर ना चाहिए, यही सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातचीत ना करते हुए आज के इस वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। मधा गजा जो कि साल 2021 में कन्नड़ लैंग्वेज की ड्रामा एक्शन फिल्म थी, जिसके लीड रोल आपको नजर आएंगे श्री मुरली, अशिका रंगनाथ, जगपती बाबू, रामचंद्र राजू के अलावा और भी काफी सारे कलाकार। जहां पर दोस्तों बात करें ये 2 घंटे 10 मिनट लंबे पिक्चर को देखने के बाद ये पिक्चर मुझे कैसा लगे है, तो अगर ऑनेस्टली बात करूं ये पिक्चर मुझे बहुत ही ज्यादा डिसेंट लगी है दोस्तों। क्योंकि देखो इसके पीछे कुछ रीजन है। तो पहले बात करें पिक्चर की कहानी की, मैं बड़ी स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत आइडिया देता हूँ। देखो पिक्चर की कहानी कुछ ऐसा है, दो गांव रहते हैं, उसी दो गांव के अंदर एक गांव अच्छा होता है, दूसरे गांव बुरा होते हैं और इन दो गांव के अंदर हमेशा से लड़ाई झगड़ा लगे रहते हैं। और इसी बीच में कौन सी गांव यानी कि अच्छा गांव कैसे बुरे गांव को हराते हैं या फिर बुरे गांव के अच्छा गांव को हराते हैं, यही सारी चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। यानी कि कहानी के मामले में ये पिक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से निराश कर देती है। जहां पर इस पिक्चर की स्टोरी के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नयापन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वही घिसी पिटी 90s की कहानी आपको दिखाई गई है जो कि आपको पूरी तरह से बोर करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन भाई अगर आपको एक्शन देखना पसंद है तो भाई ये फिल्म बस आपके लिए है। क्योंकि इस पिक्चर के अंदर जो एक चीज अच्छा है वो इस पिक्चर की एक्शन। उसके अलावा इस पिक्चर की कुछ भी अच्छा नहीं है। देखो जिनको कहानी को लेकर कोई मतलब ही नहीं कि भाई पिक्चर की कहानी जैसा भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस पिक्चर के अंदर की एक्शन देखना है, तो भाई आपके लिए पिक्चर एकदम सही है। क्योंकि 0% की कहानी के साथ इस पिक्चर के अंदर आपको ढेर सारा एक्शन और मसाला देखने के लिए मिलने वाला है। बेसिकली ये एक्शन मसाला मूवी है, इसीलिए हम इस पिक्चर की कहानी को साइड में रख देते हैं। बाकी अदर चीजों की बात करें जैसे कि एक्शन भाई काफी कमाल की है, लेकिन इस पिक्चर की एक्शन के अंदर आपको काफी सारे पिक्चर की रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो भाई इस पिक्चर की एक्शन के अंदर जो कोरियोग्राफी किया गया है वो काफी अच्छी तरीके से किया गया है, पर इस पिक्चर की एक्शन के काफी सारे एक्शन सीन्स है जिसको भाई कुछ पिक्चर से उठाया गया है। जैसे कि मान लो अला बेगम तो पुरामालू, क्राक, KGF, उसके बाद आपको आते हैं DJ, ये सारे पिक्चर की एक्शन सीक्वेंस से इस पिक्चर की एक्शन सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है। उसके अलावा इस पिक्चर की और एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो निकल कर इस पिक्चर की गाना यानी कि सॉन्ग्स भाई इतनी ज्यादा बकवास, क्या बोलूं आपको, पूरी तरह से बोर कर देता है। एक्शन मसाला पिक्चर के अंदर जो एक्शन होना चाहिए उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, इसके लिए मैं भाई बहुत ही खुश हूँ। लेकिन इसके अलावा बाकी कुछ भी इस पिक्चर को आपको इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं रहते हैं। चाहे बात करें कलाकारों की एक्टिंग की, भाई क्या यार कुछ भी। अब एक्टिंग के मामले में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसकी वजह से हमें भाई फील होना चाहिए अंदर से, भाई इमोशनल सीन चल रहे भाई हमें इमोशन होना चाहिए, पर इमोशन तो भाई दूर की बात है, हमें हंसी आ रही थी। और भाई इस पिक्चर के अंदर जगपति बाबू को लेकर बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि उनके लिए बस ये पिक्चर बनती है भाई, उनके जैसा एक्टिंग इस पिक्चर के अंदर कोई और नहीं कर सकता। पर इस पिक्चर के अंदर आपको जो सिनेमेटोग्राफी, जो एडिटिंग लेवल देखने के लिए मिलते हैं, जो कलर ग्रेडिंग देखने के लिए मिलते हैं, वो आपको जरूर इंप्रेस करेगा। हाँ ये बस सच है दोस्तों। ओवरऑल अगर देखे साल 2021 माने के बावजूद भी मधा गजा एक ऐसी पिक्चर है जिसे आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर आपको जो कहानी देखने के लिए मिलती है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। उसके अलावा बात करें पिक्चर के अंदर की एक्शन की, वही एकमात्र चीज है जो कि आपको शायद पसंद आ सकती है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि भाई सिर्फ पिक्चर के अंदर एक्शन देखना चाहते हो तो भाई इस पिक्चर बस आपके लिए है। बाकी इस पिक्चर को देखने के लिए मैं आपको जरूर रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी भी पिक्चर अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अगर आपने पिक्चर को देख लिया है तो आपको पिक्चर कैसी लगी है वो हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। और अगर पिक्चर को देखना चाहते हो तो भाई मैंने जो रिकमेंड किया यानी कि मत देखना वही करना, बाकी तो भाई आपकी मर्जी है। बाई चांस अगर आप एक्शन लवर हो तो भाई पिक्चर को बिल्कुल भी मिस ना करो। दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद है जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना था, बाय बाय टाटा, गुड नाइट।